जनपद संभल के चंदोसी के आजाद रोड स्थित संजीवनी पैलेस में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। शाम करीब 7:30 बजे टेबलों पर गैस चूल्हे लगाकर भोजन गर्म करने को गैस पाइप लगाई जा रही थी। एक गैस सिलेंडर से 4 से 5 चूल्हे पर पाइप लगाकर जला दिए गए। तभी अचानक गैस सिलेंडर में लगे रेगुलेटर के पाइप ने आग पकड़ ली। गैस सिलेंडर में आग लगने से शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल हो गया। शादी समारोह में मौजूद लोग व वेटर सिलेंडर में लगी आग को बुझाने लगे। इस दौरान रवि निवासी संभल गेट कोतवाली चंदोसी दो वेटर झुलस गए। दोनों वेटरों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया। किसी तरह आग को बुझाया गया, जिसके बाद शादी समारोह में स्थिति सामान्य हो सकी। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस व दमकल भी पहुंच गई। सर, चंदोसी संजीवनी पैलेस में सिलेंडर में आग लगी थी, क्या मामला था वो? जी, शाम को कॉल जब आई, फायर कॉल आई, तो मुझे पता लगा संजीवनी पैलेस में एक छोटा सा सिलेंडर, 5 किलो का सिलेंडर पे आग लगी है। मौके पर तुरंत हमारी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उस आग को शमित किया गया है और उसमें 2 लोग हल्के से झुलस गए थे और वैसे कोई खास जनहानि या मानहानि नहीं हुई है। उनको जो है प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सर, किस तरह की लापरवाही सामने आई वहाँ पर? सर, उसमें जो ऐसा रहा कि उसकी जो पाइप थी, जो स्टॉल लगी होती है, 5 किलो के सिलेंडर में जो पाइप थी, वो पाइप निकल गई थी। उस वजह से ये थोड़ा सा हादसा हुआ है, जिसको एक हम लोगों ने मौके पर जाकर कंट्रोल में कर लिया। इसमें जो लापरवाही सामने आई है, तो वो स्टाफ की लापरवाही है जो सिलेंडर लगा रहे थे, क्योंकि ठीक से पाइप ना लगा पाया, वो निकल गया और उसमें नहीं, ऐसा फायर होता है सर कि जो ये आप जाँच करनी चाहिए सिलेंडर की पाइप की। काफ़ी समय जब हो जाता है तो सिलेंडर की पाइप वीक हो जाती है, तो इस वजह से ये हुआ होगा सर, संभवतः।